अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरीन कुकिंग्स फॉर योर यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं चाइना ग्रास पुडिंग, जो कि हम रू अफजा फ्लेवर में बनाएंगे इसे। तो ये जो आज की रेसिपी है, ये बहुत ही आसान रेसिपी है और इसे बनाने में भी बहुत ही कम टाइम लगता है। तो फिर चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें हम ये चाइना ग्रास का पैकेट हाफ कट करके डालेंगे। तो ये हाफ हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जो चाइना ग्रास का पैकेट है वो 1 लीटर दूध के लिए है। हम आधा लीटर दूध में बना रहे हैं, इसलिए हम ये आधी पैकेट यूज़ कर रहे हैं। अगर आप 1 लीटर दूध का बना रहे हैं तो फिर आपको ये पूरी पैकेट इसमें यूज़ करनी होगी, जो कि ये 8 ग्राम की है। तो इस चाइना ग्रास को हम सबसे पहले आधा ग्लास पानी में भिगो कर रख देंगे 10 मिनट के लिए। और जैसे ही 10 मिनट हो जाएंगे तो फिर हम इसे चूल्हे पर रख देंगे पकने के लिए, जब तक कि ये अच्छी तरह से डिज़ोल्व नहीं हो जाता। तो इसे हम मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से मेल्ट होने तक पकाएंगे। इसमें देखिए, जो रेशे नज़र आ रहे हैं वो रेशे नज़र नहीं आने चाहिए, ये पूरी तरह से मेल्ट हो जाना चाहिए, इतना हमें इसे पका लेना है। तो ये यहाँ पर आराम से पकता रहेगा, उतनी देर में हम साइड में ये 1/2 लीटर दूध ले लेंगे। तो इसे हम बॉयल कर लेंगे, दूध को हमें अच्छी तरह से पका लेना है। तो ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट किया था मेरी दूसरी वाली वीडियो पर, जो कि मैंने चाइना ग्रास की एक और वीडियो बनाई है, उस पर उन्होंने कहा था कि जब हम चाइना ग्रास दूध में ऐड करते हैं तो वो दूध फट जाता है। तो उसकी एक ही वजह हो सकती है कि आप जो है वो दूध को अच्छे से पकाते नहीं हैं, इसलिए वो फट जाता है। या फिर एक वजह ये भी हो सकती है कि आप चाइना ग्रास दूध में ऐड करने के बाद आप इसे बहुत ज़्यादा पका लेते हैं। तो अगर इस बात का आप ख्याल रखेंगे तो आपकी रेसिपी जो है वो परफेक्ट बनेगी, वो ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए, दूध को हमने 5 मिनट अच्छे से पका लिया है। बॉयल आने के बाद हमने इसे 5 मिनट और पकाया है अच्छी तरह से, और इतनी देर में देखिए ये चाइना ग्रास भी अच्छे से पक गया है, ये पूरी तरह से मेल्ट हो गया है। इसमें चाइना ग्रास के बिल्कुल भी रेशे नज़र नहीं आ रहे हैं, ये पूरी तरह से अच्छे से डिज़ोल्व हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, जो दूध हमने बॉईल करने रखा था तो उसकी गैस की फ्लेम हम बिल्कुल लो कर देंगे और ये जो चाइना ग्रास है इसे हम ऐड कर देंगे दूध में। तो ये चाइना ग्रास ऐड करने के बाद इसे हमें मिक्स कर लेना है, और जैसे ये मिक्स हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को हमें ऑफ कर देना है, इसे हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। तो ये अब रेडी है, तो इसे हम उतार लेंगे चूल्हे से और इसे हम रख कर थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो इसे हमें पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, बस ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसमें हम ये रू अफजा सिरप ऐड करेंगे। अगर आपके पास रोज़ सिरप है तो फिर आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें हमने चीनी नहीं ऐड की थी तो इसलिए हम इसमें 6 से 7 टेबलस्पून रू अफजा सिरप ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा रू अफजा सिरप भी ऐड कर सकते हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको कितना मीठा पसंद है उस हिसाब से। तो ये रू अफजा ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद एक कंटेनर ले लेंगे हम, जिसमें हमें इसे जमाना है, और ये सारा चाइना ग्रास हम इसमें डालकर सेट कर लेंगे। और ये इसके ऊपर थोड़े से मैंने पिस्ते भी डाल दिए हैं गार्निशिंग के लिए। तो आपको जो भी पसंद हो, काजू बादाम, वो आप इस तरह से बारीक स्लाइस में कट करके इस पर डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे रख देंगे सेट होने के लिए। आधे घंटे में ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा, उसके बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे। तो चलिए, तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। आधा घंटा हमने इसे सेट होने के लिए रख दिया था और आधा घंटा मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो अब ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और ये सेट भी हो गया है, तो इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो अब हम एक चाकू ले लेंगे और इसके किनारों को पहले हम इस तरह से कट कर लेंगे। चारों किनारों को हमें इसे कट कर लेना है ताकि ये आसानी से बाहर निकल जाए। तो ये चारों किनारे हमने इसके कट कर लिए हैं। तो अब हम एक प्लेट लेंगे और इसे हम निकालेंगे इसे इस कंटेनर से। देखिए, इस तरह से हम इसे पलट देंगे तो ये आसानी से बाहर आ जाएगा। देखिए, ये बड़ी आसानी से कंटेनर से बाहर आ गया है। तो अब हम एक और प्लेट लेंगे और इसे दोबारा से इस तरह से पलटी कर देंगे ताकि जो ड्राई फ्रूट्स वाली साइड जो नीचे चली गई है वो ऊपर आ जाए। तो ये देखिए, माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का ये चाइना ग्रास हमारा बनकर तैयार हो चुका है। और जो कि इसे हमने रू अफजा फ्लेवर में बनाया है तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। तो अब हम एक चाकू से इसके पीसेस कट कर लेंगे। तो अगर आपको ये रू अफजा फ्लेवर चाइना ग्रास की रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।